हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गई। इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 5.4 से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड नंबर में 3481 और लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर आई एंड 2 आई को सॉल्व किए थे और उसमें हमने क्या समझाया था आपको, जो राइट से जो 4 डिजिट नंबर दिए गए है ना, राइट से आपको कपल अप नंबर बनाना है, मतलब एक एक करके इसको दो नंबर दो डिजिट को एक करना है। अगर 3 डिजिट नंबर रहा तो आपको राइट से दो नंबर को एक बनाना है और जो बाकी का जो एक बच गया उसको एक बनाना है, मतलब ये हो गया 2, 1 एंड 2 ऐसे करके, ये भी एक ऐसे, ठीक है। उसी टाइप का हमको बना के स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिविजन मेथड। तो डिविजन मेथड में ये हम पहले भी जान चुके हैं कि जो नंबर हम लेंगे फर्स्ट लेफ्ट से, राइट से कपल बनाएंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, जो ये नंबर से कम या सेम नंबर आना चाहिए। आप मल्टीप्लाई जो जो नंबर को लोगे सेम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 34 किस पे आएगा, 6 या 36 हो रहा है तो यहाँ 34 से वो बड़ा हो रहा है इसलिए हम 5 चलेंगे। ये जो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर लिख देंगे और इसको माइनस करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे हम डिविजन में करते हैं। और ये जो 5 है, ये जो सेम 5 है यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो और ये जो नंबर है वो नीचे डायरेक्टली आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पर कौन सा वो नंबर आएगा जैसे जिसपे उसका 1+1 आएगा, तो 1+1 आने के लिए 1 लेंगे, अदरवाइज 9 लेंगे, ठीक है। 9 9 81, उसका 1+1 आ रहा है, तो अभी हमको क्या करना है, 9 को पुट करते हैं इसपे भी 9, तो 9 को पहले हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं 981 आ रहा है कि नहीं। 9 9 81, तो 1 8 9 0 9, तो 8 आ गया, 9 1 9, 981 आ रहा है, तो फाइनली हमारा ये सक्सेस हो गया। तो 981 हम यहाँ पर लिखेंगे, 0 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और ये जो 9 हमने यहाँ पर लिखा है ना, ये 9 हम ऐड करेंगे, 9 9 18 1 1 8, ये इतना तक आपको आंसर है। और उसका स्क्वायर रूट 3481 का स्क्वायर रूट हम कैसे लिखेंगे, 59 लिखेंगे, जो कि हमारा आंसर होगा, ओके। फोर्थ नंबर, बहुत सारे क्वेश्चन है हम एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पर 3 डिजिट आ गया, मैंने आपको क्या समझाया था, राइट से आपको 2 डिजिट को एक बनाना है और बाकी जो बच गया उसको एक लेना है। उसके बाद हमको डिवीजन करना है कि यहाँ पर जो नंबर लेंगे 2 लेंगे, 2 2 जा 4, देखो 5 से 4 कम हो रहा है इसलिए हमने 2 2 जा 4 लिए। अगर 1 1 लेते, क्योंकि 3 3 जा 9 हो रहा है, 5 से ग्रेटर हो रहा है, तो वो नहीं ले सकते, उसी हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 2 जा 4 हो गया, ये जो 2 है ना हम यहाँ पर ऐड करेंगे, 4 लिख देंगे, और ये जो 2 1 5 2 4 हुआ 129। तो कौन से वो नंबर हम यहाँ पर लेंगे जिसपे राइट, मतलब जो 1+1 में 9 आएगा, आइदर 3 लेंगे अदरवाइज क्या लेंगे, 7 लेंगे। तो 3 पे लेके चेक करते हैं, और ये जो 3 है मल्टीप्लाई करना है आपको रफ में, क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड में जो नंबर आएगा ना हमको ऐड करके लिखना है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली करके ऐड करके लिख दूंगी। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा 23 हो गया और ये 29, ओके 0। अभी हमको क्या करना है, मैं आपको क्या बोली थी, ये जो 3 हमने इस प्लेस में लिए है ना, सेम टू सेम वही नंबर यहाँ पर लिखे है, सेम नंबर वही 3 यहाँ पर ऐड करना है, जो कि 46, ठीक है। ये साइड को आपको गलत नहीं करना है, मैं आपको दिखाने के लिए बस यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं तो आपको रफ में मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ पर लिखना है, और ये जो नंबर आप यहाँ पर लाओगे राइट पे उसको ऐड करना है, बस उतना ही आपको करना है। नेक्स्ट, और आपको लिखना क्या है, उसके बाद 529 का स्क्वायर रूट आपको 23 लिखना है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमको क्या करना है, और एक नंबर यहीं पर कर लेते हैं, फिफ्थ नंबर में 3249, देखो 4 डिजिट नंबर है इसलिए हमने 2 2 को पेयर कर लिया। उसके बाद हमको फाइंड आउट करना है, तो 32 इस नंबर पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आएगा, कोई भी नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे, 5 5 जा, देखो 4 8 जा 32 है, पर हमको वो नंबर लेना है जो सेम नंबर होना चाहिए, जैसे कि 5 5 हम लिए, करेक्ट। आपके दिमाग में आएगा 32 4 8 जा 32 है, तो कहीं क्यों नहीं ले रहे हैं, तो 5 5 इसको मल्टीप्लाई, सॉरी ऐड करेंगे, यहाँ पर आंसर लिखेंगे, और ये जो 32 है, ये जो 25 हो गया ना, 5 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद इस साइड पे लिखना है और माइनस साइन देना है, 7 लिखना है, इस नंबर को नीचे लाना है, ठीक है। तो ये प्लेस खाली है, अभी कौन सा नंबर डालेंगे जिसपे 9 आएगा, अदरवाइज 3 डालेंगे, नहीं तो
क्या डालेंगे, 7 डालेंगे, उसके बाद जाके तो 3 लेके चेक करते हैं, 10 लिख देते हैं। ये जो प्लस है ना, ये जो 5 आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको आप ऐड कर रहे हो युवा जगह पे। पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 3 3 9 3 0 3, ये नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, 107 लेंगे, 7 7 जा 49 4 7 0 0 4 7 1 जा 7, तो ये 7 पे आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली हमको 7 यहाँ पर लिखना है, 7 यहाँ पर लिखना है, 749 ऐसे लिखना है और 0, और ये जो 7 हमने लिया ना यहाँ पर ऐड करना है, हो गया हमारा आंसर करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट बीआई, तो कौन सा नंबर लेंगे, 13 आएगा, नहीं है, तो क्या करेंगे, 4 4 जा 16 नहीं होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, देखो कपल अप नंबर पहले बनाना है। नेक्स्ट ये जो 9 है यहाँ पर लिखेंगे और सेम टू सेम 3 को नीचे लिखेंगे, तो 3 3 जा 6 सॉरी 3 3 प्लस करेंगे तो 6 आ गया। अभी हम 13 से माइनस 9 करेंगे, कितना आ जाएगा, 4, ये 6 9 को हम नीचे ले आएंगे फाइनली। तो कौन सा, ये जो प्लेस में आइदर 3 आएगा जो कि 1 प्लेस में 9, नहीं तो 7 आएगा, तो 3 करेंगे तो ये 1 पे आ रहा है, नहीं होगा तो 7 डायरेक्टली मैं ले रही हूँ, यहाँ पर 7 7 ऐड कर लेंगे और यहाँ पर दिखेंगे पहले 67 7 जा 4, आ रहा है, तो डायरेक्टली हम 67 को यहाँ पर क्या करेंगे, 469 लिखेंगे, 0, और यहाँ पर प्लस कर देंगे। क्यों प्लस करेंगे, देखो ये जो वैल्यू 3 प्लस 3 6 लिए ना, तो 7 7 ये जो डबल डिजिट हो गया, अभी हम इसको ऐड करते जाएंगे, अगर बड़ा नंबर दे रहेंगे तो उसी हिसाब से आपको करना है, इसलिए हम यहाँ पर आपको ऐड करके लिखना, मतलब आपको बता रहे हैं कि ऐसे ऐड करना है, कौन से नंबर को ऐड करना है, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन आप होके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट 1369 का स्क्वायर रूट हमको 37 लिखना है, आंसर आ गया। इस नंबर को करेंगे, पहले कपल अप नंबर बना देंगे, तो 57 7 7 जा 49 8 8 जा 64 64, इससे बड़ा हो रहा है तो 7 7 जा कितना लिखेंगे, 49, तो 79 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 को ऐड कर लेते हैं जो कि 14 हो रहा है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, ये 8 और ये 7, 8 7 6 आ जाएगा, ये प्लेस खाली है, अभी हमको इसको भरना है। तो कौन सा वो नंबर यहाँ पर हम प्लेस करेंगे जो कि 6 आएगा, एक तो 4 4 जा 16 जो राइट पे, मतलब 1 प्लेस में 6 आ रहा है, अदरवाइज 6 पे, तो 4 4 पे चेक करो, पहले आपको चेक करना है और वो भी रफ में करना है, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कर रही हूँ क्योंकि मैं इरेज कर सकती हूँ, नहीं ये नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट 6 लेना है, 6 पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 पे, ठीक है। तो ये जो 6 है यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जैसे हमने 7 को ऐड करके 14 लाए थे, तो ये 8 7 6 आ गया हमारा आंसर, तो यहाँ पर हमको 6 लिखना है और ये माइनस करके 0 लिखना है, यहाँ पर भी माइनस साइन देना है। नेक्स्ट इसको ऐड करना है 12, ये 5 152 राइट पे आएगा ऐड करने के बाद, और यहाँ पर 0, तो 5 7 7 6 का स्क्वायर रूट 76 आ रहा है जो कि हमारा आंसर है, करेक्ट। नेक्स्ट भी ट्रिपल आई, तो पहले कपल अप नंबर करेंगे क्योंकि 4 डिजिट है, तो 79, 8 8 जा 64 है, 9 9 जा 81 नहीं जाएगा, तो 8 8 जा 64, 5 2 1 करेक्ट, और ये जाएगा 1 आ जाएगा क्योंकि यह इसमें से कुछ भी नहीं गया है। नेक्स्ट 8 को ऐड कर लेंगे जो कि 16 हो जाएगा, 1 कैसे आएगा, 1 आएगा और नहीं तो 9 आएगा, है कि नहीं, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 9 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 पे तो नहीं आएगा, इतना बड़ा डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में आ सकता है, देख लेते हैं, इस पे ये हो रहा है, तो डायरेक्टली हमारा 9 जाएगा, हम 9 लिख देंगे, 1 5 2 1 यहां पर लिखेंगे और ये जो 9 यहां पर ऐड हो जाएगा, 178 हो गया और ये हमारा 0 आ गया, ठीक है। ये सब आपको ना रफ में करना है, तो 7921 स्क्वायर रूट कितना है, 89 है, करेक्ट। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आई एक्स नंबर, तो यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है, तो राइट पे आपको 2 नंबर को एक पेयर बनाना है और बाकी जो बचेगा उसको एक ले लेना है, तो 2 2 जा 4 हम ले लेंगे,
176, ये जो 2 है आड़ हो जाएगा, तो कौन से नंबर लेंगे हम यहां पर लेंगे 4 लेंगे, 4 जा 16, देखो हो गया। अदर अगर 4 पे नहीं जाता आप क्या लेते, 6 लेते, 4 रखेंगे 176 आ गया, इस पे 4 ऐड करेंगे 48 आ गया और ये हमारा 0, करेक्ट। तो 576 का स्क्वायर रूट हमारा 24 है, आंसर है। ओके नेक्स्ट 1024, 10 नंबर पे 1024 4 डिजिट है, इसको लिख देंगे तो 33 जा 9, 124 नीचे आ जाएगा, 3 को हम ऐड करेंगे जो कि 6, तो कौन सा नंबर यहां पर आएगा, आइदर 2 होगा जो कि राइट पे 4 आएगा, अदरवाइज अलग नंबर मतलब आपका 8 को लेंगे, ठीक है। तो पहले हम 2 को लेके चेक करते हैं, 2 2 2 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, हो गया हमारा। और ये जो 2 है हम मल्टीप्लाई ना करके, आपको रख में मल्टीप्लाई करना है, मैं बार बार बोलती हूँ रख पे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर आपको ऐड करके आंसर लिखना है, और ये जो हमारा माइनस साइन देना है वो क्या हमारा 1024 का स्क्वायर रूट कितना 32 है आंसर। नेक्स्ट इसको कपल कर दिए तो 6 6 या 36 आ रहा है, नहीं 5 5 या 25, ओके। तो 6 36 ये 5 को हम ऐड कर लेंगे तो कौन सा वो नंबर लेंगे, 6 लेंगे, ठीक है। 6 लेने के बाद यहां पर भी 6 लेंगे, 6 हो रहा है, 6 3 6 यहां पर माइनस, यहां पर माइनस 0 और ये ओके 3 1 3 6 स्क्वायर रूट इक्वल टू 56, ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट नंबर हमारा बचा है जो कि एक्स आई आई, जिसमें है 900, देखो ये भी 3 डिजिट है, ये डायरेक्टली 3 3 9, आपको कुछ भी नहीं करना है, देखो 0 आ गया और वो 0 भी आ गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे 6 से, तो 6 के साथ हम 0 देंगे, यहाँ पर 0 दे देंगे, 0 हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमने जो नंबर लिया था रफ में वो सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे कि नहीं, तो सेम टू सेम 0 करेंगे तो 0 आ गया आंसर, हो गया, और ये हमारा 60, करेक्ट। आंसर कितना आया 30, तो 900 का स्क्वायर रूट हमारा 30 आ गया आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो बिना कैलकुलेशन में हमको कैसे बताना है, देखो वो एक ट्रिक है जो आपको पहले भी बताया गया है कि अगर 2 नंबर रहेगा तो क्या आएगा, एक पेयर आएगा कि नहीं, ठीक है। और यहां पर 3 नंबर है मतलब 3 डिजिट है, तो ये तो 2 पेयर, ये एक पेयर है, सेम टू सेम यहां पर 2 पेयर है तो आपको 2 पेयर लिखना है, ओके। डायरेक्टली आपको इसी यही लिखना है, देखो यहां पर 5 डिजिट नंबर है, 2 2 जो बच गया वो रह गया तो 3 पेयर हो गया, नेक्स्ट 2 2 3 तो यहां पर 6 डिजिट नंबर है वो भी 3 पेयर है, हो गया हमारा आंसर। फाइनली इतना ही आपको लिखना है, ओके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।